गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे लॉकडाउन खुला है 11 जून को और मैं वीडियो ये शूट कर रही हूँ 17 जून है। आज 7 डेज हो चुके हैं कि लॉकडाउन के जो रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी कम हुई है और काफ़ी सारे स्टोर्स के अंदर आप जा सकते हैं, बट लाइन अप लगाना पड़ता है, लाइक लिमिटेड बंदे ही अंदर जा सकते हैं। सो मैंने ट्राई किया मेरे फेवरेट स्टोर्स में जाने के लिए 1-2 बार, विनर्स में या मार्शल्स में, होम साइंस में, और पर लाइन अप इतनी ज्यादा लंबी थी कि मैं जा नहीं पाई। सो आज है 17 जून, कल हिम्मत का बर्थडे है। विंडोज खोल लो, बहुत ज्यादा हो। सो वो पड़ा है मेरे पीछे कि तुम डेकोरेशन लेके आओ, उसको लाके हाइड कर दो और मैं सो जाऊंगा तो डेकोरेट कर देना, मैं सुबह उठ के सरप्राइज होऊंगा। उसकी डेकोरेशन तो मैंने ऑलरेडी लाके रखी है पर उसे आने लाके नहीं लेके आई हूँ, पर अब मैं उसके लिए मुझे प्रेजेंट चाहिए। उसने बताया कि उसे कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगेंगी। सो वन ऑफ दोज तो हस्बैंड ने उसको ऑलरेडी लाके दे दी है, उसे पियानो चाहिए था, वो उसे ऑलरेडी मिल चुका है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने उसे आपको दिखाया या नहीं, मैं यहाँ पे क्लिप डाल दूंगी कोई। अभी वो बस कोशिश करता बजाने की, उससे क्लासेस लगवाएंगे तो फिर उसे थोड़ा अच्छा बजाएगा। उसे बहुत ज़्यादा शौक है म्यूजिक का, बहुत ज़्यादा छोटे होते से ही। अगर किसी चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो तो उसे इनहेंस करने में हेल्प करनी चाहिए। यू नेवर नो कि किस लाइन में उसे सक्सेस मिल जाए या किस लाइन में उसे मज़ा आना शुरू हो जाए। सो या वो उसको मिल गया है, अब मैं उसका प्रेजेंट लेने जा रही हूँ और मैं सारे मेरे फेवरेट स्टोर्स में जाऊँगी। होपफुली फिंगर्स क्रॉस की क्राउड नहीं हो। वीकडे है और मैं समय पर ही निकल गई हूँ, 12 बज रहे हैं। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, चाय पी ली थी वैसे मैंने सुबह उठ के, और मैंने मेरा व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। सो आज मैं मेरे सारे फेवरेट स्टोर्स में जाऊंगी। मैंने सोचा कि आज के दिन को व्लॉग कर लेते हैं। मकदी स्टोरी ये है। सो आज हम व्लॉग करेंगे एंड यस, हमारा सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टॉयज आर एस से जाऊंगी क्योंकि टॉयज आर एस सबसे ज्यादा पहले बंद हो जाएगा। सो यस, लेट्स गो गाइज, आई एम ऑल रेडी एंड गियर्ड अप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो हम हमारे पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। क्विकली मिमी का प्रेजेंट पिक किया जाएगा एंड देन वी आर फ्री फ्रॉम द, सबसे बड़ा काम हो जाएगा दिन का क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें पर मैं नहीं हूँ तब भी चलेगा। सो मास्क पहन लेते हैं, काले कपड़े, काले मास्क। दोस्तों तो मैं हूँ टॉयज आर एस में और यही वाला एरिया है जो हिम्मत को टॉयज चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा लूँ और कोई भी स्पेशल भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस पे है। नॉर्मल प्राइस पे सामान लेना मुझे बहुत औखा लगता है और इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बस इतने टॉयज हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी नहीं लग रहे। पर इन्हीं में से कुछ पिक करना पड़ेगा मुझे या फिर मैं वॉलमार्ट के टॉयज में भी चेक कर लेती हूँ एक बार, अदरवाइज़ यहीं से ले लूँगी क्योंकि वॉलमार्ट बिल्कुल सामने ही है। सो या दुविधा में हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो हिम्मत का तोहफा हो चुका है ट्रांसफार्मर। मुझे लगता है जो वो चाहिए था, वो जो वो चाहता था वो इलेक्ट्रॉनिक है और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आई थिंक 120 से शुरू होते हैं वो। तो मैंने उसे नॉर्मल रेगुलर लेके दिया क्योंकि अगर आप बच्चों को बहुत एक्सपेंसिव प्रेजेंट लेके भी देते हैं वो इतना देर तो खेलते नहीं है। सो जो उसका चाह है उसके साथ पूरा कर लेगा। पर उसके साथ मैंने, वो भी आई थिंक 35 में ही आया, 39 में आया है जो मैंने लेके दिया है, और उसके साथ मैंने एक ले लिया है लेगो। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये व्लॉग काफी समय बाद जाएगा, तब तक उसका बर्थडे मन चुका होगा। सो उसके साथ मैंने लिया है लेगो 7+। लेगो का एक बॉक्स आया जिसमें स्पेस रॉकेट बनाना, स्पेस शिप बनानी है। वो ना स्पेस शिप का बहुत ज्यादा शौकीन है और वो अपनी रेगुलर लेगो के साथ स्पेस शिप बनाने की कोशिश करता रहता है। मैंने सोचा कि जब उससे टारगेट मिलेगा कि ऐसे करो तो उसे अच्छा लगेगा। सो वो लिया है मैंने और मुझे नहीं लगता था कि मैं टॉयज आर एस में इतना ज्यादा समय स्पेंड कर दूंगी। मैंने 1 घंटा स्पेंड कर लिया, 1:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं 12 बजे घर से आई। समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या छोड़ू, बहुत मुश्किल से मैंने डिसाइड किया। और अब मैं खाने वाली हूँ कुछ, मैं सैंडविच लेने वाली हूँ
टिम हॉर्टन्स से क्योंकि वो मेरे बिल्कुल पास है, तो लाइक बेगल में कुछ लेटस वेटस टमाटर डाल के बनवाती हूँ मैं, उसके बाद आगे की चीजें करेंगे। सो लेट्स गो। सो टिम हॉर्टन की लाइन में लग गए हम, लाइन काफी ज्यादा लंबी है, वेट कर रही हूँ मैं ऑर्डर करने की। पता नहीं मेरा फेवरेट बेगल होगा यहाँ पे नहीं, मुझे हेलोपिनो बेगल अच्छा लगता है। और हिम्मत एंड हस्बैंड की वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, एक दूसरे की कंप्लेंट्स कर रहे हैं। हादसा हो गया, लुक एट दिस। मम्मा व्हेयर आर यू गोइंग? मम्मा मम्मी सी स्टिल नॉट गोइंग टू हिज क्लास। आई वांट टू माय क्लास ऑलरेडी दिस कूपर। सो हिम्मत फेक एक्टिंग कर रहा है अपनी क्लास में होने की, पर एक्चुअली वो नहीं है। सो ऐदा करते हैं ये दोनों जाने ना, कंप्लेंट्स करने के फोन बहुत करते हैं, बड़ा मजा आता है। ओके सो मैंने ली है आइस कॉफी एंड बेगल। सो यहाँ पे मैं पार्किंग में ही बैठ के खा लूंगी, और यहाँ पे मैं पार्किंग में आई हूँ, वहाँ पे सामने मुझे मार्शल्स दिख रहा है। सो खाने के बाद मैं मार्शल्स चली जाऊंगी। तो मैंने लिया है बेगल एंड इसमें मैंने लेटस टमाटर एंड खीरा ऐड कर लिया है, एंड इसमें थोड़ी सी चिपॉटली सॉस भी डाली। आप भी ट्राई करना अगर आपने कभी नहीं किया तो आपको अच्छा लगेगा, इससे ज्यादा फिलिंग हो जाता है और अच्छा सैंडविच बन जाता है। गाने सुन ले। ओके सो मेरी कार्ट में है एक सन हैट एंड दो ड्रेसेस जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप ट्राई नहीं कर सकते हैं। पर ये जो किचन एरिया है ना, जहाँ पे किचन का सामान होता है, वो इतना भरा हुआ नहीं है। चीज़ें मैं डिसाइड करके आई थी वो तो मुझे दिख नहीं रही है, मुझे नींबू निचोड़ने वाला चाहिए एंड यूटेंसिल्स रखने के लिए नया बर्तन चाहिए और भी कई चीज़ें चाहिए। सो या देखते हैं क्या मिलता है। बट लुक एट दिस हैट, ये कितनी अच्छी लग रही है और इसकी फिटिंग मुझे बहुत मज़ेदार है। सो हमारा अगला स्टॉप है वैल्यू विलेज, वहाँ पे लाइनअप है। नंबर टू विनर्स में मार्शल्स में मुझे एक दो चीजें मिली, मैं खुश हूँ उससे। मैं घर जाके आपको क्विक सी हॉल कर दूंगी, पर किचन की जो चीजें मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी। वैसे भी क्या करना है मुझे आज, सो वेली हूँ, यही काम करूंगी। और उसके बाद आई थिंक इसके बाद मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने वाली हूँ, देन मैं घर जाऊंगी। और थ्रिफ्ट स्टोर में मैं गई थी, मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थ्रिफ्ट स्टोर में वैसे ही मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टच होती हैं। सो फोन टच करो, कैमरा टच करो, इससे अच्छा है कि मत बनाओ। पर यह मुझे चार पांच चीज़ें मिली हैं, दो तीन कपड़ों की आइटम भी मिली जिसको मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑल्टर करना पड़ेगा, पर या अच्छी चीज़ें मिली हैं मुझे। फर्नीचर भी आज काफ़ी था पर मेरे पास ना पेशेंस है उसको उठाने के और अपनी गाड़ी में रखने के लिए। मैंने थ्रिफ्ट स्टोर में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड नहीं किया, पर क्या हुआ कि जो मेरे आगे पे करने वाली लेडी थी उसके पास इतना सामान था उसके एंड उसकी डॉटर के, वो दोनों ने ना दो डिफरेंट लेडीज़ को रोक के रखा था। और इतना सामान मैंने सुना उसने आई थिंक 500 प्लस का सामान खरीदा लेडी ने और 473 का उसकी डॉटर ने। सो सोचो थ्रिफ्ट स्टोर से इतने पैसे स्पेंड करना, मतलब कितना सामान, एक एक डॉलर की कितनी सारी चीज। 100 प्लस चीजें ली थी उसने, पांडे पता नहीं क्या क्या, पर उसकी जो डॉटर थी जिसने 473 का कुछ लिया था उसकी चीजें काफी प्यारी थी, उसने लगता है काफी समय स्पेंड किया होगा। सो या अब मैं जा रही हूँ विनर्स के अंदर। ओके बाय। और आई एम थर्स्टी और मेरी गाड़ी में जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म है। बाय बाय लालू। Had a little bit too much. Maybe I should shut up. Wouldn't be the first time. Maybe I should head home on my own. Ooh. Maybe I make the grown-up choice for one. ओके
कि आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे कितना बड़ा लाइनअप था विनर्स के बाहर, तो मैंने वहाँ पे नहीं गई हूँ, मैं आ गई हूँ डॉलर ट्री, क्योंकि हमारे पास डॉलर ट्री नहीं है, चुन्नी भी है यहाँ पे। सो हिम्मत की डेकोरेशन थोड़ी सी लेने के लिए एंड बर्थडे गिफ्ट रैप। पहले मैं सोच रही थी वॉलमार्ट से ले लूँ, पर फिर मुझे ये डॉलर ट्री दिखा और मैंने सोचा कि ये हमारे पास तो है नहीं, तो क्यों ना एक गेड़ा इधर भी मार लिया जाए। सो यहाँ पे आ गई मैं। सो फिलहाल के लिए मैंने बस यही चीज़ें ली हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, शायद छोटा है या सामान बहुत ज़्यादा है, पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा ऐसे रौला रपा पिया है सामान का, लोगों का नहीं। तो यहाँ पे एल्फ का मेकअप भी है एंड एल ए कलर्स का भी, पता नहीं असली है नकली है, पर हाँ यहाँ पे ये मेकअप भी है। ऑलराइट दोस्तों, घर जा रहे हैं और घर में हमें ये फाटक मिल गया, और फाटक में से मालगाड़ी निकल रही है। लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल सीन। Got a kitty cat sleeping on my left side. I don't even need to see you tonight. Had me for a minute, expectations high. But a fuck nigga can't keep up his disguise. Why you trying to tell me that you see me? सोनी लग रही ना? गाइस, थ्रिफ्ट स्टोर से मैं लेके आई हूँ ये वाला वेस, और इसलिए क्योंकि जब मैं प्लांट्स की प्रोपोगेशन करती हूँ या कुछ प्लांट्स कभी मैं पानी में रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए खूबसूरत वेस्ट चाहिए। और ये अच्छा ब्यूटीफुल वाइट है पूरा, अच्छी क्वालिटी का, और सिर्फ 399 का मिला है। और या जिनकी जड़ें मैं देखना चाहती हूँ, तो उनको मैं कुछ इस तरह की वेसेस में रखती हूँ। सो ये 399 है, बट उसमें 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो प्लांट की प्रोपोगेशन करने के लिए मुझे कांच की बॉटल्स अच्छी लगती है, और अगर उनकी शेप अच्छी हो तो कितना मज़ेदार लगता है। ये जो है फिलाडेंड्रन, इसकी जड़ें देख लें कितनी ज़्यादा फैल चुकी हैं। अब मुझे इसको लगाना पड़ेगा उसमें, इसको मैं सॉइल में लगाऊंगी जिस दिन मेरा टाइम लगेगा, और इसी काम के लिए वो 2 वेसेस को लेके आई हूँ मैं। और आजकल मुझे आउटडोर के प्लांट्स अंदर लाना भी अच्छा लगता है, ये बेचारा सूख चुका है, तो उसके लिए भी मैं ये पॉट यूज़ कर सकती हूँ। तो इनमें थोड़ा पानी भी फिल कर दिया मैंने, क्योंकि जड़ें पानी से बाहर आ रही थी। सो या विनर से मैं लेके आई हूँ ये खुशबू वाले पैक्स, इसमें कोकोनट एंड वनीला एंड सैंडलवुड है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं वॉशरूम्स में या मेरी क्लॉजेट्स में रखती हूँ। अब मैं आपको 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 अपस्टेयर्स लेके जाती हूँ, मैं चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। ऑलराइट दोस्तों, आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ वैल्यू विनर्स वाली चीज़ें कि क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको। ये तो मैंने ऑलरेडी दिखा दी है वेसेस, और अगली चीज़ मैं लेके आई हूँ एक ये एक गर्ल है ये, जिसमें ड्रेस पहनी है और इसमें आप ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं। मेरे पास एक है पर वो बुरी तरह भर चुका है, सो मैंने सोचा कि ये क्यूट है, ब्लैक ड्रेस पहनी है उसने, और मुझे ब्लैक ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ये मुझे मिला है 399 का, पर अच्छा बार्गेन है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ विनर्स से लेना चाहेंगे तो ये आपको एटलीस्ट 10-15 के अराउंड मिलता है। ओके, सो अगला है ये ड्रेस। इसका जो रंग है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें पिंक फ्लावर्स हैं काफ़ी बड़े साइज़ के किस्म के। सो ऐसा है कपड़ा जिसको आप गले में बांध सकते हैं, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे मैं कुछ ऑर्डर करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी इस पर आर्म्स लगाना, पर इसकी लेंथ अच्छी है, अगर मैं नीचे से कपड़ा लूँगी तो लेंथ ख़राब हो जाएगी। एंड इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा न्यूड है, और इसमें पिंक फ्लावर्स है। सो मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई पिंक कपड़ा हो तो उसकी आर्म्स लगा दूँ इसमें, कुछ ना कुछ करूँगी मैं इसका। बहुत प्यारी लगी मुझे ये, और मेरी मशीन काम नहीं कर रही है, बहुत दुखी हूँ मैं उसके लिए। फैब्रिक एरिया में मुझे बहुत अच्छा ये फैब्रिक मिला है, सिल्की, और ये अराउंड 2.5 meters है, और इसका आर्च भी बहुत बड़ा है। इससे या तो मैं ऐसा दुपट्टा भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं इसे स्कर्ट बना सकती हूँ लाइक लहंगे जैसी, या फिर ड्रेस, क्योंकि ड्रेस के लिए भी अच्छा लगेगा। इसका बहुत बहुत प्यारा सा शेड है, ये हमारी ब्राउन स्किन पे कितना अच्छा लगता है ऐसे शेड। सो ये है एक मैं स्कर्ट लेके आई हूँ जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ये ब्लैक एंड वाइट है, इस पर बेल्ट भी है, पर इसका ये जो कमर का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये लार्ज है, और मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं इलास्टिक ऐड कर लूँ या कुछ ना कुछ मैं इसे करूँगी, पर इसकी लेंथ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसका फैब्रिक भी अच्छा है, और इसका स्टाइल भी ऐसे है कि जैसे थोड़ी हाई एंड किस्म के कपड़े होते हैं, सो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। इसी तरह मैंने एक ये केपरी जैसी पीजे लिया है, केपरी की लेंथ का, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट है, और घर में नॉर्मली पहनने के लिए मुझे ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं कि खुला जा पजामा, और देखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगे, सो ये काफ़ी अच्छा है। एंड ये पता नहीं कौन से ब्रांड से है, बहुत अच्छी तरह बना हुआ है ये,
काफ़ी गुड क्वालिटी में है और ये मुझे मिला है $7 में. सारी चीज़ें 7 में हैं, जो फैब्रिक है वो मुझे $5 में मिला है. सो अगर मैं फ्यूचर में कोई ड्रेस बनाती हूँ तो सोच लीजिए $5 की इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस बनेगी. और देन मैं एक ये और स्कर्ट लेके आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी है ये और ये काफ़ी यूनिक है. इसके बैक में यहाँ पे कट है और इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, लाइक वेलवेटी सा फैब्रिक है ये. और यार मैंने सोचा कि कभी कभी कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं. सो ये है ब्रिग्स न्यूयॉर्क. सो यही चीज़ें मैंने ली हैं थ्रिफ्ट स्टोर से, बहुत ज़्यादा नहीं ली है. बुक्स ढूंढने की कोशिश में थी मैं पर मिली नहीं. सो विनर से मुझे ये हैट मिली. आजकल मुझे हैट्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक आ गया है और ये हैट बाहर से आपको मिलेगी 22, वहाँ पर मुझे 16 की मिली है और ये मेरे चेहरे पे भी अच्छी लगी, मैं हस्बैंड को पूछ रही थी. और वैसे मुझे ज़्यादा हैट्स मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, पर इसकी फिटिंग और ये सारा कुछ इतना परफेक्ट है लगता है मेरे लिए बनी. आपको मेरे चेहरे पे ये हैट कैसी लगी? और हैट पहनने का पता क्या है कि स्टाइल के लिए ही नहीं, स्टाइल भी है चलो थोड़ा बहुत, पर इससे आपका चेहरा ढका रहता है. उम्र बढ़ रही है, स्कार्स हैं चेहरे पे, छाइयाँ हों, हाइपर पिगमेंटेशन हो, तो आपका चेहरा सूरज की डायरेक्ट रोशनी से दूरी रहना चाहिए. ये मेरे चेहरे को बचा के रखेगा सूरज की रोशनी से, लाइक डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ेगी. सो ये है पर्पज मेरा टोपी पहनने का. सो एक चीज़ मैं ये लेके आई हूँ विनर से, मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी. कई चीज़ें ऐसी होती ना कि प्यारी लग जाती है और आप सोचते हैं कि यार इनको मैं लूँगी लूँगी जो मर्जी हो जाए. तो ये मेरा दोस्ती. और मैं दो ड्रेसेस भी लेके आई हूँ, दिखाती हूँ. सो मैं लेके आई हूँ दो ड्रेसेस, एक तो है ये. ओके सो ये जो ड्रेस है ये है 25 में, अगर आप बाहर से लेंगे तो आपको मिलेगी 40 में, पर ये मेरे ऊपर ना थोड़ी अच्छी तरह फिट है. तो मैंने सोचा है कि मैं इसे कैसे पहनूंगी एज अ कार्डिगन जैसे, क्योंकि ये बहुत बहुत प्यारी है. सो इसके नीचे कोई ब्लैक सिंपल सी ड्रेस पहन के, या मैं कुछ सिल लूँगी कि उसे मैं नीचे पहनूँ साटन जैसा कुछ, और इसे मैं ऐसे लूज़ छोड़ सकती हूँ. सो यार ये बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस है, इसको पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी. सो ये है वो ड्रेस. इस ड्रेस की लेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, घुटनों के नीचे जो मुझे पसंद है वो ये. और अगली ड्रेस है ये रेड, चुलचुल करता फैब्रिक है. इसकी फिटिंग मुझ पर बहुत अच्छी आई है और ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी, मैंने अभी पहनी थी. और इसकी सिलाई बहुत ज़्यादा क्लीन हुई है. ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है मैम, सो प्रिटी, आई रियली लाइक इट. सो ये बन सकता है परफेक्ट डिनर के लिए आउटफिट, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए आप अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक डिनर के लिए जाए हो. मैं अपने हस्बैंड को दिखा के आती हूँ ये पहन के, एंड टोपी वॉक के भी टोपी का उतार देते हैं ये. और ये दोस्तों तो हिम्मत एंड डैडी जा रहे हैं साइकिल राइड करने के लिए. जब मैं शॉपिंग करके वापस आई थी तब भी ये पार्क में थे, साइकिल चला के गए थे. और हस्बैंड इतने ज़्यादा लापरवाह के बिल्कुल चिंता नहीं करते, हिम्मत बहुत ज़्यादा दोस्तों बना के उतने लगे था ही प्ले करन. एंड या दोनों ने बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, अब दोनों यानी सीधे हो गए किसी और रास्ते जा रहे हैं. और या मैं अपने ऑलराइट दोस्तों तो फिर मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने आलतू फालतू काम निपटाऊँगी. आज व्लॉग को भी एडिट करना शुरू करना है, मेरी कोशिश है कि मैं कल अपलोड करूँ. और जब मैं घर आई किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये दोनों ना बहुत ज़्यादा मेला बना रहे थे मेरे पीछे से. क्या आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं कि कोई भी चीज़ जगह पे रखते नहीं है, पूरी चीज़ें फ्लॉप. तो मैं देखने वाली हूँ मूवी, मूवी का नाम है द इंटर्न. पर अब मेरा मीठा खाने के लिए मन है, जो उस दिन मैं लेके आई थी उसे ट्राई करते हैं. सो मैं बनाने वाली हूँ ये वाली लजीजा खीर, ट्राई करते हैं कैसे बनती है. सबसे पहले दूध को बॉयल कर, सो बड़ा पैन लूँगी मैं, 1 लीटर दूध ऐड कर देती हूँ. ओके सर मैंने दूध डाल दिया, जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम ये मिक्सर डालेंगे. मुझे लगता है इसके बिना कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं. ओके सर दूध बॉयल होने वाला है तो इस पैकेट को मैं खोल के इसमें ऐड करने वाली हूँ और स्टर करते जाएंगे. मुझे पता नहीं कि क्या है ये, इसमें तो मुझे चीनी दिख रही है, राइस वाइस दिख नहीं रहे, पर देखेंगे उनकी. ओके बॉयल हो रही है, गैस से हटा लेती हूँ और इसमें मैं ये चीज़ें ऐड करने वाली हूँ. इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, गुलाबा वर्गी. ओह माय गॉड, जो ऐड कर दिया मैंने, अब इसको धीमी आंच पे कुक करेंगे, स्टर करते रहेंगे. I know you said it in the heat of the moment, but did you say what you mean? Yeah.
Your fist turned bright red and your body was frozen. Think I could hear your heartbeat. Ding out your chest and your sweat and your palms just won't rest. For a second you'll regret. So ye lazeeza kheer banke ready hai. Husband ke reviews lete hain. Jungle boy. Oh ya tab. ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਫੂਡ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿਤਾ ਖੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਖੀਰੀ ਆ ਖੀਰੀ ਆ ਪਰ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਆ ਨਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਤੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਖਾਊਂ ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਮੰਨੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਇਸ ਮੇ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕੀਏ ਹੈ ਕੁਛ ਡਰਾਈ ਨਟਸ ਮੈਨੇ ਬਦਾਮ ਐਡ ਕੀਏ ਹੈ ਔਰ ਕਾਜੂ ਐਂਡ ਜਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਨੇ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਕੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਾਲ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਹਮ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਖੀਰ ਬਣਾਤੇ ਤੋ ਚਾਵਲ ਕੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਸਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋਗੇ ਉਤਨੇ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੇ ਤੋ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਖੋਆ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦੁੱਧ ਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਡਿਜ਼ਰਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਯਾਰ ਰਬੜੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੋ ਯਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਆਪ ਮਿੱਠੇ ਕੇ ਫੈਨ ਹੈ ਆਪਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫੈਨ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਇਸੇ ਕੁਇਕਲੀ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਬਲਤੇ ਦੁੱਧ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਯੇ ਮਿਕਸਰ ਡਾਲਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ ਹਿਲਾਤੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ 20 ਮਿੰਟ ਕੇ ਕਰੀਬ ਮੇਂ ਆਪਕਾ ਯੇ ਡਿਜ਼ਰਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਓਵੇਂ ਖੀਰ ਬਣਾਨੇ ਹੋ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਖੀਰ ਮਿਕਸ ਔਰ ਇਸਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਉਨਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਖੀਰ ਮਿਕਸ ਅੰਜੀਰ ਕੀ ਖੀਰ ਡੇਟਸ ਕੀ ਖੀਰ ਸੋ ਨਾਰਮਲ ਓਰੀਜਨਲ ਖੀਰ ਮਿਕਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਓਕੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪ ਔਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਕਰੇ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋਈ ਔਰ ਡਿਜ਼ਰਟ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਵੀ ਐਸੇ ਕੁਇਕ ਸਾ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਬਤਾਨਾ ਮੁਝੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਰੈਸਿਪੀ ਵੀ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਲਾਈਕ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਗੀ ਜੈਸੇ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਮੈਗੀ ਮਤ ਬਤਾਨਾ ਪਰ सो आज के इस व्लॉग के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी हॉल में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना कि स्टाइलिंग की वीडियोस भी बनाऊँगी जिसमें मैं बता सकती हूँ कि मैं मेरी ड्रेसेस को कैसे स्टाइल करने वाली हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें मैं मिलूँगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy.